गुजरात की 25 साल की रेप पीड़िता युवती को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की स्वीकृति प्रदान कर दी है। गर्भपात जैसे गंभीर मामले में हाईकोर्ट की तरफ से लंबे स्थगन और सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और पूछा है कि आखिर गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की 27 सप्ताह की गर्भवती को मेडिकल गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। पीड़िता के साथ शादी का झूठा झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुया की पीठ ने घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली पीड़िता द्वारा मांगी गई राहत को मंजूरी दे दी है और उसे चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अस्पताल में उपस्थित होने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में गुजरात हाईकोर्ट के रवैये पर टिप्पणी की और कहा पूछा कि गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है। गुजरात की 25 साल की रेप पीड़िता गर्भवती ने अबॉर्शन के लिए गुजरात हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़िता की अर्जी को 17 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। 19 अगस्त को छुट्टी होने बाद भी जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सुनवाई करते हुए कहा था कि ऐसे मामले में जब एक एक दिन अहम होता है तो फिर सुनवाई की तारीख क्यों टाली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।